हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ डिसेंट एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्लोथ मटेरियल। क्लोथ का मतलब होता है कपड़े, और हमारे कपड़े भी अलग अलग टाइप के मटेरियल के बने होते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लोथ आर वन ऑफ अवर बेसिक नेसेसिटी। क्लोथ जो है हमारे बेसिक नेसेसिटी है, मतलब हमको चाहिए चाहिए। क्लोथ प्रोटेक्ट अवर क्लोथ प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, इंसेक्ट। जो हमारे कपड़े हैं वो हमें गर्मी से, ठंड से, बारिश से, जो धूल मिट्टी है और कीड़े से, जानवरों से बचाते हैं। द मटेरियल दैट वी यूज फॉर क्लोथिंग इज कॉल्ड फैब्रिक। जो हम मटेरियल कपड़ा यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फैब्रिक बोलते हैं। यू कैन सी वैरायटी ऑफ द फैब्रिक इन द मार्केट। आप मार्केट जाओगे तो आपको अलग अलग तरह के फैब्रिक देखने को मिलते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट दीज आर मेड अप ऑफ, कैसे बनते हैं? दे आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। मतलब जो हमारे कपड़े होते हैं वो फैब्रिक के बने होते हैं, और फैब्रिक का क्या बनता है, फाइबर। अभी इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। अ फाइबर इज जनरली स्ट्रेंथ सब्सटेंस। फाइबर आर ऑफ्टन ट्विस्ट टू फॉर्म यार्न। मतलब फाइबर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और उसको ऐसे ट्विस्ट करते हैं, ऐसे ऐसे ट्विस्ट करके बड़ी सी रस्सी बनाते हैं जिसको यार्न बोलते हैं। यार्न इन टर्न कैन बी ट्विस्टेड टू फॉर्म थ्रेड, और फिर उसको वापस से ट्विस्ट करके क्या बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं। फैब्रिक आर मेड बाय यूजिंग यार्न और थ्रेड। यार्न और थ्रेड्स का यूज करके हम फैब्रिक बनाते हैं। सम फाइबर्स आर फाउंड इन नेचर। कुछ फाइबर हमको नेचर से मिलते हैं जिसको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। एंड अदर मैन्युफैक्चर थ्रू द केमिकल प्रोसेस। और कुछ जो है वो केमिकल प्रोसेस से हम तैयार करते हैं जिसको अपन मेड मेड सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स बोलते हैं। आई बात समझ याद रखती है। चलो आगे बात करते हैं। जो हमने आगे पढ़ा कि नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर क्या होता है उसके बारे में आगे देखेंगे। नेचुरल फाइबर्स दिस आर ऑब्टेंड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। ये हमको नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, दैट इज फ्रॉम द प्लांट और एनिमल्स। या तो प्लांट से मिलेंगे या फिर एनिमल्स से मिलेंगे। कॉटन, जूट, सिल्क, वुल एक्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरल फाइबर। जो आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, कॉटन क्लोथ, जूट क्लोथ, सिल्क, वुल क्लोथ जो है वो हम जनरली ठंड में यूज करते हैं, आर सम ऑफ द नेचुरल फाइबर। ये नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर को हम आगे क्लासीफाई कर सकते हैं प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर, क्योंकि नेचर से जो चीजें मिलती हैं वो या तो एनिमल से मिलेगी या प्लांट से मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो प्लांट फाइबर है उसको हम डिटेल में देख लेते हैं। द कॉमन प्लांट फाइबर्स आर कॉटन, जूट एंड द प्योर, है ना। जो कॉमन प्लांट फाइबर्स है वो कॉटन, जूट एंड प्योर है। द कॉटन इज सॉफ्ट फाइबर, आपने देखा है कॉटन बहुत सॉफ्ट होता है। दैट ग्रोज ब्राउन सीड्स, मतलब जो ब्राउन सीड्स में उगता है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द जूट प्लांट। जो जूट प्लांट होता है उसकी जो छाल होती है उसमें से निकाला जाता है। एंड प्योर इज फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर कवर ऑफ द फ्रूट ऑफ द कोकोनट ट्री। आपने देखा होगा कोकोनट की रस्सी आती है ना, तो वो जो है उससे ही बनता है। ये प्योर जो है आपने देखा होगा तो आपके घर में जो गेहूं आते थे पुराने जमाने में वो इसके अंदर आते थे। देन एनिमल फाइबर, अ वैरायटी ऑफ एनिमल प्रोवाइड नेचुरल फाइबर ऑफ द क्लोथ। वी गेट वुल फ्रॉम द हेड ऑफ शीप एंड गॉट। जो हमको जो शीप होती है, भेड़ और बकरी, उसके बालों से हमको क्या मिलते हैं, वुल मिलता है। सिल्क इज अनदर फाइबर दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीक्रेशन ऑफ द इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म से हमको क्या मिलता है, बेटा क्या मिलता है, सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ द क्लोथ मटेरियल ऑफ द कॉटन। कॉटन को कैसे डेवलप करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉटन इज सॉफ्ट फाइबर दैट ग्रो अराउंड द सीड ऑफ द कॉटन प्लांट। इट बोथ सॉफ्ट सीड होता है, मतलब सॉफ्ट फाइबर होता है जो कि सीड के आसपास होता है। इट इज हार्वेस्टेड बाय पिकिंग द कॉटन फ्रॉम द प्लांट। इसको कैसे हार्वेस्ट करते हैं, एक एक कॉटन को प्लक करते हैं। दिस कैन बी डन बाय हैंड और बाय मशीन, या आप हाथ से भी कर सकते हो, मशीन से भी कर सकते हो। वंस कॉटन इज हार्वेस्टेड, एक बार आपने कॉटन को हार्वेस्ट किया, इट इज सेंट टू द स्पेशल प्लेस कॉल्ड द गिल्स। उसको एक जगह पर भेजा जाता है जिसको बोलते हैं गिल्स, वेयर द फाइबर ऑल द लिंब आर सेपरेटेड फ्रॉम द सेट। उसको अपन बीच से अलग करते हैं। द सेपरेशन इज ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रॉन्ग एयर करंट। उसके आगे सेपरेशन किसकी वजह से होता है, बहुत तेजी से एयर करंट पास किया जाता है। एयर करंट मतलब बहुत तेजी से हवा पास की जाती है। द फाइबर्स आर क्लीन एंड मेक इनटू द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रेंड। और उसके बाद उसको क्लीन करके उसकी लंबी लंबी रस्सियां टाइप, धागे टाइप बना।
फ्रेंड्स आप स्पून विद हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन, फिर उसको स्पिनिंग मशीन है, स्पिनिंग मशीन है, इससे आप क्या करते हैं उसको स्पून करते हैं, विच इज यूज टू मेक फैब्रिक, जिससे हम क्या बनाते हैं फैब्रिक बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न टू फाइबर आर कॉल्ड स्पिनिंग, मतलब जो हम यार्न से फाइबर बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्पिनिंग बोलते हैं। फिर कॉटन क्लोथ इज सॉफ्ट लेट द एयर इन, मतलब कॉटन जो होता है बहुत हल्का होता है, बहुत नरम होता है एंड उसके अंदर हवा जो है वो आसानी से चल जाती है। इट ऑल्सो एब्जॉर्ब स्वेट, वो पसीना भी एब्जॉर्ब कर लेता है। द कॉटन क्लोथ कॉटन क्लोथ इज सॉफ्ट एंड लेट एयर इन, मतलब कॉटन क्लोथ जो होता है वो सॉफ्ट होता है, उसके अंदर आसानी से हवा अंदर चली जाती है। इट ऑल्सो एब्जॉर्ब स्वेट, वो पसीना भी सोख लेती है। अ क्लोथ दैट लेट्स एयर इन इटसेल्फ टू ब्रीथ, मतलब जो हवा अंदर लेते हैं, जैसे हम भी हवा अंदर लेते हैं तो हम सांस लेना बोलते हैं, सिमिलरली अगर कोई कपड़ा जो है हवा लेना तो उसको हम क्या बोलेंगे ब्रीथ। द कॉटन क्लोथ आर देयरफॉर कंफर्टेबल टू वियर स्पेशली इन हॉट ह्यूमिड वेदर, मतलब जब गर्मी पड़ती है उस समय इसको आसानी से हम पहन सकते हैं, क्योंकि जब हम पहनेंगे तो इसके कारण हवा अंदर जाएगी और हवा अंदर जाएगी तो हमको ठंडा लगेगा और हमारा जो पसीना है वो भी बहुत जल्दी सोख लेगी, एक स्वेट का मतलब है ना। एज द स्वेट दे एब्जॉर्ब इवेपोरेट बिकॉज ऑफ द एयर दे बी डेनिम द टाइप ऑफ द ड्यूरेबल क्लोथ यूज्ड टू मेक जींस एंड मेड अप ऑफ द कॉटन, जो आप जींस पहनते हो जो जींस का कपड़ा होता है वो भी काई का बना होता है बेटा, कॉटन का ही बना होता है। नाउ अब हम देखेंगे कॉटन को ग्रोथ करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। कॉटन कांट नीड अ प्लेंटी ऑफ सनशाइन, प्रीफरेबली माइल्ड कोल्ड ड्राई क्लाइमेट, मतलब हमको ऐसा चाहिए कि ठंड के समय में हल्की हल्की जो धूप निकलती है ना वैसा क्लाइमेट हमको चाहिए। विद द टेम्परेचर 21 टू 27 डिग्री इट नीड्स मॉडरेट रेनफॉल, अगर उसमें थोड़ी बहुत बारिश होता है तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बारिश की रिक्वायरमेंट नहीं होती 60 सेंटीमीटर। द कॉटन रिड्यूसेस, कॉटन नीड्स अ फर्टाइल सॉइल विद गुड मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, जो कॉटन है उसको उगाने के लिए जो मिट्टी चाहिए वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होनी चाहिए और जिसके अंदर बहुत सारा पानी टिक सके। ब्लैक सॉइल फाउंड इन द साउथर्न इंडिया अलर्बन सर्टन नॉर्थर्न इंडिया आर द आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, मतलब जो ब्लैक सॉइल हमको सर्टन इंडिया में देखने को मिलती है, अलर्बन सॉइल हमको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है, वो कॉटन की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी है। गुड ड्रेनेज एंड द एरेशन एसेंशियल एज द क्रॉप कैन नॉट विदस्टैंड एक्सेसिव मॉइस्चर एंड वाटर लॉगिंग इन इंडिया, मतलब जो गुड ड्रेनेज सिस्टम भी होना चाहिए क्योंकि उस क्रॉप को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं, बस पानी की आवश्यकता है। ठीक है, कॉटन इज सोन बिटवीन द मे एंड सेप्टेम्बर, मे और सेप्टेम्बर के बीच में इसको बोया जाता है एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री द हार्वेस्ट ऑफ द कॉटन बिगिन फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद इसको काट लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज जूट, जूट का आपने देखे होगा बेटा, जूट जो पहले के बैग आते थे इस टाइप का कुछ कपड़ा आता है इसका, है ना, ये आप जूट बैग्स। जूट इज अ प्लांट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ द प्लांट पेस्टन, पेस्टन करके प्लांट आता है उसके फाइबर से हमको मिलता है जूट। जूट इज वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर, ये सबसे सस्ता नेचुरल फाइबर है। इट इज इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप इन द ईस्टर्न एरिया, ईस्टर्न एरिया में इससे बहुत लोग कमाई करते हैं, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप बोलते हैं। कैश क्रॉप मतलब जिससे हमको कैश मिलता है। इट इज एक्सपोर्टेड एज अ रॉ फाइबर एंड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स सच एज मैट, रोप, हाइनेसेस, कार्पेट, सैक एंड कार्पेट मेकिंग, मतलब जो इसका यूज हम काय में करते हैं, या तो हम बैग बनाने के लिए या फिर रस्सी बनाने के लिए, टार्पोलिन बनाने के लिए। जूट इज मिक्स विद वूल टू मेक रग्स, जूट को अपन वूल के साथ मिला के रग्स बनाते हैं। इट इज मिक्स विद द कॉटन टू मेक डेकोरेटिव क्लोथ, कॉटन के साथ मिलकर इसके डेकोरेटिव क्लोथ बनाते हैं। एंड अपहोल्स्ट्री मतलब घर के उपयोगी सामान जैसे कर्टन वगैरह हो जाते हैं हमारे पर्दे बेडशीट। नाउअडेज इवन पेपर इज बीइंग मेड यूजिंग जूट, मतलब आजकल जो है वो जूट से हम लोग क्या बना रहे हैं, पेपर भी बना रहे हैं। जूट इज ग्रोन इन द वेस्ट बंगाल, जूट जो है उसको वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है। जूट इज ग्रोन इन द वेस्ट बंगाल, आसाम, नॉर्दर्न बिहार, सदर्न ईस्टर्न ओडिशा, त्रिपुरा, सम पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, मतलब ये ऊपर की तरफ से उगता है बेटा, अगर अपन इंडिया का देखें तो नीचे नहीं मिलता है।
अब क्लाइमेट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ जूट, तो जूट रिक्वायर्ड वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, बहुत गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसको। इसकी टेम्परेचर की रेंज जो 24 डिग्री से 37 डिग्री होती है। इट इज ग्रो वेरी वेल इन द अलग्रिस सॉइल डेल्टा रीजन में, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा रिवर है वहां पर ये आसानी से उग जाता है। नाउ नेक्स्ट इज सिल्क, तो सिल्क वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक करेंगे। आज हमने नेचुरल फाइबर के अंदर जो है प्लांट फाइबर को अच्छे से पढ़ा है। प्लांट फाइबर में हमने क्या देखा है, एक तो कॉटन देखा है और एक जूट देखा है, तो इतना आपको अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं सिल्क पढ़ाऊंगा आपको, तो इसकी जो जितनी भी रीडिंग है बेटा इसको अच्छे से समझना है आपको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।